हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचवीएस स्टडीज़। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में करंट अफेयर 2023 जो हमारी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ रहेगी, उसमें 12 मार्च 2023 का जो करंट अफेयर है, आज हम उसको फुल डिटेल में कवर करेंगे, जिसमें हर एक क्वेश्चन में हम स्टैटिक जीके का पोर्शन और साथ ही साथ पुराने करंट अफेयर का रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारा पढ़ाना आपको समझ में आए, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा लास्ट डे का क्विज का क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं। तो आपसे कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिक्रूट वुमेन इन द आर्मी फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। तो किस देश ने 25 साल में पहली बार महिलाओं को सेना में भर्ती करने का फैसला लिया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर था कोलंबिया। और आप सभी के द्वारा करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताया गया है। इसी तरीके से आज की इस वीडियो में एंड में हम एक क्विज का क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियाज डिजिटल पेमेंट मार्केट विल मोर देन ट्रिपल टू 10 ट्रिलियन डॉलर बाय विच ईयर। तो भारत का डिजिटल भुगतान बाजार किस वर्ष तक 3 गुना से अधिक 10 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा? तो इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंडिया का जो डिजिटल मार्केट है, पेमेंट मार्केट है, वो 10 ट्रिलियन डॉलर को अचीव कर लेगा कौन से साल तक? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2026। तो ये एक डाटा जारी किया गया है जिसमें 2026 तक इंडिया का जो डिजिटल पेमेंट मार्केट है, वो अभी के प्रेजेंट टाइम के मुकाबले आपका 3 गुना, मतलब 10 ट्रिलियन डॉलर का जो टारगेट है उसको अचीव कर लेगा। तो ये आपका रहेगा। अब यहाँ पे रिवीजन की बात करते हैं, रिवीजन कवर करते हैं पुराने करंट अफेयर का। तो रामचंद्र पौडेल, जिनको कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में चुना गया है नेपाल के, हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया स्वच्छोत्तम, जिससे कि जो कि आपका एक वुमेन क्लीनलीनेस कैंपेन आपका हो जाएगा। रायसीना डायलॉग जो है, उसमें चीफ गेस्ट बनी आपकी जॉर्जियो मिलोनी, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इटली कंट्री की। बोला तिनुबू को इलेक्ट किया गया है, चुना गया है नया प्रेसिडेंट नाइजीरिया कंट्री का। केनिया का नेशनल ग्रीन फिस्कल इंसेंटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क आपका रहेगा। फाइनेंशियल आपका टास्क फोर्स रहेगी, एक्शन टास्क फोर्स, जिसको कि हम FATF के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने जो रशिया की मेंबरशिप है, रशिया इसका मेंबर था अभी तक, उसको अब प्रेजेंट टाइम में सस्पेंड कर दिया गया है। सऊदी अरेबिया का पहला फीमेल एस्ट्रोनॉट जो आपका जाने वाला है स्पेस में, वो आपका रेडी हो चुका है। पहली महिला एस्ट्रोनॉट रहेंगी जो आपकी सऊदी अरेबिया से स्पेस में जा रही हैं। मोहम्मद शाबुद्दीन नेक्स्ट प्रेसिडेंट रहेंगे आपके बांग्लादेश कंट्री के। हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं नेपाल भी और बांग्लादेश भी, तो हमारी नेबरिंग कंट्रीज की जो भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट काइरिल रामापोस स्टेट ऑफ डिजास्टर इन्होंने घोषित किया कंट्री के पावर सप्लाई को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके रहेंगे रिवीजन पोर्शन के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मॉरिशियस डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। तो मॉरिशियस दिवस प्रतिवर्ष किस दिन आपका मनाया जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 12 मार्च हो जाएगा। हर साल हम 12 मार्च को किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो मॉरिशियस डे के रूप में हर साल 12 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 12 मार्च 1968 में आपका जो यूनाइटेड किंगडम रहेगा, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, वो खत्म हो चुका था आपका। मॉरिशियस एक आपका अलग देश बन गया था। और ये रिपब्लिक कब हुआ था? तो 1992 में आपका रिपब्लिक हो गया था, 12 मार्च 1992 को आपका मॉरिशियस देश। इसीलिए हर साल आपका 12 मार्च को एनुअल डे के रूप में आपका सेलिब्रेट किया जाता है मॉरिशस के। अब अगर यहां पे मॉरिशस कंट्री की बात करें, तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है? तो पोर्ट लुइस हो जाएगी। करेंसी क्या है? तो रुपी आपकी करेंसी रहेगी, मॉरिशियन रुपी। प्रेसिडेंट कौन है? तो पृथ्वीराज सिंह रुपून रहेंगे, इंडियन ओरिजिन के हैं, और इंडिया के करीब करीब आपके 70% के अराउंड जो आपके लोग हैं मॉरिशस में, वो आपके इंडियन एथनिक के रहेंगे, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और आपका 50% 48 या 47% के अराउंड आपकी जो रिलीजन रहेगा मॉरिशस का, वो आपका हिंदुज्म रहेगा।
और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपके प्रविंद जुगनौत रहेंगे। स्पीकर कौन है नेशनल असेंबली के, तो वो आपके सूरज देव पूकर रहेंगे, इंडियन ओरिजिन के ही आपके रहेंगे, इसलिए तीनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अब जो मॉरिशियस कंट्री रहेगी इसको पहले एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, इसकी लोकेशन को एक बार पता कर लेते हैं। तो जो मॉरिशियस देश है ये आपकी, ये इसकी लोकेशन रहेगी मॉरिशियस की, जो कि आपका मडागास्कर के ईस्ट साइड में प्रेजेंट रहेगा, और इंडियन ओशन, जो इंडियन ओशन है उसका एक पार्ट है आपका मॉरिशियस। यहाँ पे आप इंडिया का मैप देख सकते हैं, इंडिया के आपके लेफ्ट साइड, लोअर लेफ्ट साइड आपका प्रेजेंट है मॉरिशियस, और ये आपका जो अफ्रीका देश रहेगा उसके उसके आपके ईस्ट साइड में प्रेजेंट है, अफ्रीका के ईस्ट साइड में आपका जो मॉरिशियस देश है ये आपका लोकेटेड हो जाएगा, इंडियन ओशन का आपका एक ये देश आपका आइलैंड हो जाएगा। अब यहाँ पर रिवीजन कवर करते हैं डेज से रिलेटेड, नीचे से कवर करते हुए चलेंगे। तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2023 में 1 मार्च को ऑब्जर्व किया गया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 का 3 मार्च को, नेशनल सेफ्टी डे 2023 का ऑब्जर्व हुआ 4 मार्च को, नेशनल सिक्योरिटी डे आपका 4 मार्च को ऑब्जर्व हुआ, और वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी आपका 2023 का 4 मार्च को ही ऑब्जर्व किया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मेमेंट नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस ये आपका 2023 का ऑब्जर्व हुआ 5 मार्च को, 5 जैन को, 5th आपका जो औषधि दिवस आपका हुआ है, यहाँ जैन गलत डल गया शायद, तो 5th आपका औषधि दिवस जो है ये सेलिब्रेट किया गया आपका 7th मार्च 2023 को, मार्च 8 को आपका दुनिया भर में इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, नो स्मोकिंग डे आपका 8 मार्च को होता है, और इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जस्टिस आपका जजेस जो है ये आपका सेलिब्रेट करा जाता है हर साल 10 मार्च को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि आपको याद रखने हैं, ऑलरेडी हम इनको कवर कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ईबुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको मिल रही है। इसमें 19 ये आपके टॉपिक्स रहेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ईबुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी पे आप हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का, विच बैंक साइंस एमओयू विद सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन टू फैसिलिटेट फाइनेंस टू फार्मर्स, तो किस बैंक ने किसानों का वित्त की सुविधा के लिए केंद्र भंडारण निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा PNB, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा एक MOU साइन किया गया है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के साथ, जिससे कि जो फाइनेंस है, जो फैसिलिटी है फाइनेंस की, वो आपको फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जा सके, तो फार्मर्स से रिलेटेड आपकी एक MOU हो जाएगा। अब यहाँ पे PNB की बात करी गई है, पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसको फाउंड किया गया था 19 मई 1894 में, जिसके फाउंडर कौन रहेंगे, तो दयाल सिंह मजीतिया रहेंगे और आपके लाला लाजपत राय रहेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पीछे ही जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था SSC CGL के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, कि पहले अकाउंट होल्डर कौन थे पंजाब नेशनल बैंक के, तो वो आपके लाला लाजपत राय रहेंगे, जो कि फाउंडर भी थे और इनका ही पहला अकाउंट खोला गया था, पहले अकाउंट होल्डर थे ये आपके PNB के। PNB का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो KG आनंद कृष्णन रहेंगे, MD और CEO है प्रेजेंट टाइम में अतुल कुमार गोयल। यहाँ पे अगर रिवीजन की बात करी जाए तो थाईलैंड ने चेयर किया है 19th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग को, शी जिनपिंग तीसरे टर्म के लिए आपके प्रेसिडेंट चुने गए हैं चाइना देश के, जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है। 5 दिन का यशांग फेस्टिवल आपका ऑर्गेनाइज किया गया मणिपुर स्टेट में, इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक MOU साइन किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन पार्टनरशिप के लिए, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी को नया प्राइम मिनिस्टर चुना गया है आपका कतर कंट्री का, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन दोस्ती, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, जो कि आपका मदद प्रोवाइड करा रहा है टर्की और सीरिया देश को, जो उनके यहाँ अर्थक्वेक आया है उससे रिलेटेड। ब्राज़ील की जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया है मेडिकल इमरजेंसी अपनी कंट्री के जो यनोमामी रीजन है उसमें।
अगला क्वेश्चन है, डिफेंस मिनिस्ट्री इंक्स कॉन्ट्रैक्ट विद हुम टू प्रक्योर 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किसके साथ 6 डॉर्नियर विमान खरीदने के लिए अनुबंध किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, जिससे कि प्रक्योर किया जा सके 6 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट्स को। एयर जो हमारी एयरफोर्स रहेगी, इंडियन एयरफोर्स है, उसके साथ ये आपका एक डील आपकी हो जाएगी। अगर HAL की बात करी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको फाउंड किया गया था 1940 में। किस नाम से? तो हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से। और जो आप इसका जो मेन नेम है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में नेम रहेगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, वो आपका 1964 में इसका नेम बदला गया था। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की, वहां पे आपका हेडक्वार्टर है HAL का, और इसरो का हेडक्वार्टर भी आपका बेंगलुरु कर्नाटका में ही लोकेटेड रहेगा। इसके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर माधवन। ये आपको ध्यान रखना है HAL से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। हु इज नेम्ड एज MD एंड CEO ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड्स? तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर बी गोप कुमार हो जाएगा। बी गोप कुमार आपके नए MD और CEO रहेंगे अब एक्सिस म्यूचुअल फंड के। विच स्टेट टू इंट्रोड्यूस 4th वुमेन पॉलिसी टू गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू वुमेन? महिलाओं को अधिक अवसर देने के लिए किस राज्य ने 4th महिला नीति शुरू की है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र स्टेट हो जाएगा। महाराष्ट्र स्टेट इंडिया की दूसरे नंबर की सबसे पॉपुलस स्टेट भी रहेगी, पहले नंबर की सबसे पॉपुलस स्टेट है इंडिया की उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे महाराष्ट्र अगर स्टेट को हम कवर करें तो महाराष्ट्र को फॉर्म कब किया गया? तो 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया महाराष्ट्र स्टेट को, जिसकी कैपिटल है आपकी समर में मुंबई और विंटर में आपकी नागपुर हो जाएगी। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है रमेश बैस। अभी काफी सारी स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की जिनके फरवरी 2023 में गवर्नर्स आपके चेंज करे गए हैं, तो आप उनको जरूर ध्यान रखें, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। चीफ मिनिस्टर हैं आपके एकनाथ शिंदे, जो कि आपकी शिवसेना पार्टी से रहेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं आपके देवेंद्र फडणवीस। लेजिस्लेचर बाइकैमरल रहेगी, जिसमें आपका विधानसभा में 288 सीट्स हैं और विधान परिषद में आपकी 78 सीट्स रहेंगी महाराष्ट्र से। राज्यसभा में टोटल 19 सीट्स हैं महाराष्ट्र की और लोकसभा में 48 सीट्स आपकी हो जाएंगी। अभी हाल ही में आपका कुछ टाइम पहले ही एकनाथ शिंदे जो चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने स्टेट सॉन्ग को घोषित किया था, जो है जो रहेगा आपका जय जय महाराष्ट्र माझा। तो ये भी आपका करंट अफेयर का ही पिछले ईयर का अभी का क्वेश्चन रहेगा, इसलिए इसको भी आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र हमारी स्टेट है उसकी जो लोकेशन है, एक बार हम उसको देख लेते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की जिनके साथ बाउंड्री लगती है, लोकेशन क्या है उसको एक बार कवर करते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये हमारी महाराष्ट्र स्टेट हो जाएगी। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। ये आपकी मुंबई भी आपको यहां पे प्रोवाइडेड है। अब जो महाराष्ट्र स्टेट है इसकी बाउंड्री कौन कौन सी स्टेट्स के साथ लगती है तो उसको देखते हैं। तो हमारी लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे गुजरात के साथ, दूसरी हमारी मध्य प्रदेश है, तीसरी छत्तीसगढ़, चौथी तेलंगाना, पांचवी कर्नाटका और छठी आपकी गोवा। तो ये टोटल हमारी कितनी स्टेट्स हो जाएंगी? टोटल हमारी 6 स्टेट्स हो जाएंगी जिनके साथ बाउंड्री लगती है आपकी महाराष्ट्र स्टेट की। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और अरेबियन सी की साइड आपकी बाउंड्री शेयर होती है महाराष्ट्र से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहता है। जगदीप धनकर अनाउंसेस द रिलीज ऑफ बुक मुंडका उपनिषद द गेट वे ऑफ इटर्निटी रिटन बाय। तो जगदीप धनकर ने किसके द्वारा लिखित पुस्तक मुंडका उपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी के विमोचन को घोषित किया है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह के द्वारा लिखा गया है, फॉर्मर MP रहेंगे आपके इंडिया के, जिनके द्वारा जो मुंडका उपनिषद जो बुक है द गेटवे टू इटर्निटी ये बुक लिखी गई है, और इसको अनाउंस किया आपका रिलीज किया गया किसके द्वारा? जगदीप धनकर के द्वारा। जगदीप धनकर कौन रहेंगे? तो प्रेजेंट टाइम में 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के जगदीप धनकर, और 15th नंबर की प्रेसिडेंट कौन रहेंगी? तो द्रौपदी मुर्मू 15th नंबर की प्रेसिडेंट है इंडिया की।
और वो कौन सी ट्राइब से आती हैं, तो संथल ट्राइब से रिलेटेड आपकी हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट आपकी हो जाएंगी और दूसरी आपकी फीमेल प्रेसिडेंट है इंडिया की। आर्मी इंस्टॉल्ड विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी डोडा डिस्ट्रिक्ट्स टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग, सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के डोडा जिले का सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डोडा जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपका आइकॉनिक नेशनल फ्लैग टॉलेस्ट जो रहेगा इस डिस्ट्रिक्ट का उसको इंस्टॉल किया गया है, तो ये जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है ये आपकी कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में आती है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर एक हमारी इंडिया की यूनियन टेरिटरी रहेगी जिसका जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसका जो टॉलेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग है वो आपका हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा इंस्टॉल किया गया है, तो ये क्वेश्चन आपका रहेगा। अब जो जम्मू कश्मीर हमारी यूनियन टेरिटरी रहेगी इसको एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी आप देख सकते हैं, इसका एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होता है कौन सी कंट्री के साथ, तो वो हो जाएगा हमारा पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है जम्मू कश्मीर का, और हमारी दो स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के साथ भी बॉर्डर शेयर होता है, दो स्टेट हमारी हो जाएंगी हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और हमारी एक यूनियन टेरिटरी हो जाएगी लद्दाख, और लद्दाख आपको ध्यान रखना है इंडिया की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है आपकी लद्दाख। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट हो चुका है। हु इज नेम्ड एज संजीव मेहता सक्सेसर एज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सीईओ, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ के रूप में संजीव मेहता के उत्तर अधिकारी के रूप में किसे नामित किया गया है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रोहित जावा हो जाएगा। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का सीईओ के लिए नामित किया गया है, जो कि संजीव मेहता के सक्सेसर आपके हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू इसरो रुद्रप्रयाग, यहां पे रुद्रप्रयाग रहेगा, रुद्रप्रयाग एंड तेहरी टू डिस्ट्रिक्ट्स इन विच स्टेट आर फेसिंग हाईएस्ट रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड, तो इसरो के अनुसार किस राज्य के रुद्रप्रयाग और आपकी तेहरी दो जिले भूस्खलन के सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के आपके दो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जिसका नाम है रुद्रप्रयाग और आपका तेहरी डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों क्या रहेंगे इसरो की रिपोर्ट के अनुसार जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा रिस्क है लैंडस्लाइड का वो आपका इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का ही रहेगा, जो कि आपकी उत्तराखंड जो स्टेट है वहां के आपके डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इसरो की अगर बात करी जाए तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके फाउंडर आपके विक्रम साराभाई रहेंगे। इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है बेंगलुरु, जो कि कैपिटल है कर्नाटका की, वहां पे आपका हेडक्वार्टर है। अब यहां पे उत्तराखंड जो स्टेट है उसकी बात करी गई है, तो उत्तराखंड स्टेट को एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं। उससे पहले उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं, उत्तराखंड की जो फॉर्म उत्तराखंड की जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। उत्तराखंड को फॉर्म किया गया आपका 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की कैपिटल आपकी रहेगी भारा रिसेन, जो कि आपकी समर की कैपिटल है, और आपकी देहरादून विंटर की कैपिटल। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर रहेंगे पुष्कर सिंह धामी, जो कि आपकी बीजेपी पार्टी से हैं। चीफ जस्टिस हैं उत्तराखंड के विपिन सांगी। लेजिस्लेचर आपकी यूनिकैमरल है। असेंबली में आपकी 70 सीट्स रहेंगी उत्तराखंड की। राज्यसभा में 3 सीट्स आती हैं और लोकसभा में आपके टोटल 5 सीट्स हो जाएंगी। जो हाईएस्ट एलिवेशन है वो आपका नंदा देवी पीक, ये भी आपका कहाँ पे है उत्तराखंड में ही लोकेटेड है, जिसकी हाइट आपकी 7816 मीटर की हो जाएगी। इंडिया की जो सबसे हाईएस्ट पीक है कौन सी रहेगी माउंटेन पीक, तो वो आपकी कंचनजंगा रहेगी, जो कि आपकी सिक्किम स्टेट में लोकेटेड है। उसके बाद आपकी नंदा देवी पीक हाईएस्ट पीक है आपकी उत्तराखंड स्टेट की। अब जो उत्तराखंड स्टेट है अब उसको हम मैप में देखते हैं एक बार, तो यहाँ पे आप उत्तराखंड स्टेट हमारी देख सकते हैं, येलो एरिया में आपकी उत्तराखंड स्टेट है, जिसकी कैपिटल आप यहाँ पे देहरादून भी देख सकते हैं। उत्तराखंड की एक इंटरनेशनल बॉर्डर बाउंड्री लगती है कौन सी कंट्री के साथ, तो एक चाइना के साथ और एक नेपाल के साथ, दो कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर होती है आपकी उत्तराखंड स्टेट की। और अगर नेशनल बाउंड्री की बात करी जाए तो वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ और हिमाचल प्रदेश के साथ।
तो ये आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में बाउंड्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके बनते हैं। फिर एक बुक रहेगी आपकी, अब बुक टाइटल्ड एज गुड एज माई वर्ड रोट बाय, तो एज गुड एज माई वर्ड नामक की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा के एम चंद्रशेखर, के एम चंद्रशेखर के द्वारा बुक को लिखा गया है जिसका टाइटल है एज गुड एज माई वर्ड। अब यहां पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एंड में हम क्विज के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इंडियाज डिजिटल पेमेंट मार्केट विल मोर देन ट्रिपल टू $10 trillion बाय विच ईयर, तो भारत का जो डिजिटल भुगतान बाजार है ये किस वर्ष तक 3 गुना से अधिक $10 trillion हो जाएगा, तो मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसके 3 गुना से भी ज्यादा हो जाएगा, $10 trillion का हो जाएगा इंडिया का डिजिटल पेमेंट मार्केट कौन से साल तक। तो इसमें ईयर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है हमारे चैनल पे, डेली आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती है। अगर आपको सेम करंट अफेयर की वीडियो प्योर हिंदी कंटेंट में चाहिए तो हिंदी के लिए हमारा दूसरा चैनल है HVS Studies 2.0 जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको उस पर हिंदी का कंटेंट मिलेगा। अगर आपको ईबुक्स बाय करनी हो तो ईबुक्स के लिए भी हमारी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ईबुक्स को भी बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।